तो नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश राजपूत और आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज। दोस्तों, आज हम एक दुखित खबर लेकर के आए हैं वार्ड संख्या नंबर 20 आजम नगर मोहल्ले की। एक गरीब परिवार निर्धन परिवार के अंदर गैस सिलेंडर के अंदर खाना बनाते समय आग लगी है और उस परिवार के अंदर मासूम बच्चे पास थे, जिसमें एक बुरी तरीके से बच्ची झुलस गई है, जिसको जिला हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया गया। साथ ही उस गरीब परिवार के अंदर इकलौते बेटे का निधन हुआ है और पूरे परिवार का सामान जलकर के खाक हो गया है। वहाँ के लोगों का कहना यह है कि अब देखना यह है, राहत फंड कोष के जरिए मदद की गुहार लगाई है जिला अधिकारी बरेली प्रशासन से और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से। उनका कहना यह है कि प्रदेश की सरकार जहां जन कल्याणकारी योजना चला रही है, ऐसे निर्धन गरीब परिवार को राहत कोष के लिए कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार काफ़ी गरीब परिवार है। जुड़े रहिए दोस्तों, मैं सुनवाता हूँ यहाँ की कहानी, उन लोगों की जुबानी जो वहाँ पर मौजूद थे, क्या कहा है लोगों ने, सुनिए हमारी संपूर्ण खबर के अंदर। ये बच्चे हैं इसके अंदर बच्चे हैं छोटे। खुर्शीदा, आज आजम नगर में सुना है कि किसी गरीब के घर में आग लग गई, क्या हुआ था? आग लग गई, सिलेंडर फट गया। अच्छा, उसके बच्चे दो बच्चे अंदर थे और कोई देखभाल भी नहीं थी उन बच्चों की। बच्चे खैरियत से नहीं, लड़का मर गया और लड़की अस्पताल में पड़ी हुई। तो बताओ, उसका गरीब आदमी बहुत है, वो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, तो खाने तक तो है नहीं। क्या नाम है आपका चचा? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, क्या कहना चाहोगे आज इस हादसे के बारे में? अपनी आवाज कुछ पहचाना चाहते हो सरकार से किसी के लिए? हादसा बहुत बिगड़ हुआ है। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम शिबू अली है। शिबू अली, कहाँ रहते हैं भैया? मैं यहीं रहता हूँ, आजम नगर। यहीं रहते हैं आजम नगर में। आज क्या हो गया था? ये आज बड़ा हादसा हो गया भाई। यहाँ कैसे हो गया? ऐसा था, घर में इफ्तारी का टाइम रमजान चल रहा है, घर में खाना बना रही थी एक लेडी, तो उसमें घर में सिलेंडर से आग लग गई है। उसमें दो तीन बच्चे उसके वो जल गए हैं, एक बच्चे की डेथ हो गई है और एक बच्चा खत्म हो गया। कितने बच्चे थे उसके? चार बच्चे, चार लड़कियाँ। भाईजान क्या नाम है? अंबर। अंदर क्या क्या हुआ था? खाना बना रही थी वो और सिलेंडर फट गया। चार लड़की उनकी, एक लड़का छोटा था। गरीब परिवार है, उसकी मदद होनी चाहिए। बहुत गरीब परिवार। देखिए, ये चश्मदीद गवाह है। योगी जी भी अच्छी अच्छी स्कीम निकाल रहे हैं, बेचारी की मदद होना चाहिए इसकी, किसी भी तरीके से कैसे भी इसकी मदद हो जाए बेचारी की। क्या नाम है बहन जी आपका? नाम इद्रीस साहब है। इद्रीस, कैसे हुआ था हादसा? ये सिलेंडर फट गया, लीक हो गया था, सिलेंडर में आग लग गई थी। हाँ। लीक हो गया था। उसके बाद हो गया, उसकी अम्मा आटा गूंथ रही थी। हाँ। अब वो बच्चे अंदर से दोनों बच्चे लौंडा मर गया, लौंडिया जली हुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ी है। बाप बेचारे क्या? बाप बहुत गरीब है, ठेलिया चला है, बहुत कबाड़ी थे। बहन जी क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? आजम यहीं पे। यहीं रहती हैं? क्या हो गया आज? आग लग गई सिलेंडर से, बहुत गरीब परिवार में, लौंडा भी खत्म हो गया उनका, बहुत ही गरीब है, बेहद गरीब है। तो इस समय मैं मौके पे खड़ा हुआ हूँ। बताते हैं यहाँ के लोग कि बहुत गरीब परिवार था, पूरा सामान जल गया है, बर्बाद हो गए हैं बेचारे। फेरी का काम करते थे और इस परिवार के अंदर 7 लोग रहते थे, जिसमें भाईजान क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? यही आजम नगर में। आज योगी समाज से तो अध्यक्ष है ना? जी, मैं अध्यक्ष हूं। कैसे हुआ था भाईजान आज हादसा? ये गैस जले थी अंदर, गैस के दौरान आग लगी। आग जो लगी खाना बनाने समय, तो वो गैस जो थी एकदम फैली, सब पूरी एकदम आग लग गई। ये बच्चा जो था सो रहा था, इसकी मार थी, खाना बना तो एकदम भागी निकल गई। वो भागी तो गरम जो है सब लोग इकट्ठा हो गए, क्या मामला है, तो देखा क्या नाम है, अंदर आग लग गई। कितने बच्चे थे इनके? इनके 5 बच्चे हैं, इनकी 4 बेटियां हैं,
और एक भाई एक अलग। हमारे चैनल के जरिए सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, क्या चाहते हैं? कि जो भी सरकार से अगर मदद हो सके इस परिवार के लिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इनकी सहायता की जाए। हमारा ये भजन, क्या नाम है आपका? मौलाना अकबर अली। आज क्या हो गया था यहाँ पर? हादसा हो गया, आग लग गई घर के अंदर, सिलेंडर फट गया जी, और एक लड़का और एक लड़की हताहत हुई है। लड़की का भी इंतकाल हो गया? नहीं, लड़की का इंतकाल नहीं हुआ है, लड़के का इंतकाल हो गया है, और बहुत ही माली नुकसान हुआ है। और परिवार कैसा था? गरीब परिवार से ये लोग अपनी ज़िंदगी निवास करते हैं, उनके पास मकान वगैरह का इंतज़ाम नहीं है, इसी तरीके छप्पर वगैरह डाल करके रह रहे थे, ससुराल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे इस टाइम। मतलब जिस घर के अंदर ससुराल में हुआ? अच्छा, जो हादसा हुआ है वो ससुराल में हुआ? वो ससुराल में हुआ जी जी। और जो ये इनका घर जो है वो बहुत, हाँ, मस्जिद के पास में है, बहुत गरीब लोग हैं, मकान टूटा हुआ पड़ा हुआ है अभी। शुक्रिया साहब। ऐसा पूरा जल के खाक हो गया।